सो ये रहे हमारे इंटीरियर्स के फाइनल रेंडर्स, जो कि आप देख सकते हैं वीरियो 5 पे हम लोगों ने रेंडर किए हैं फाइनल रेंडर्स। हर एक एंगल से, हर एक मटेरियल से फुल रियलिस्टिक लुक आ रहा है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने ह्यूमन पोज भी इस पे ऐड किए हैं ताकि हमें आइडिया लग सके कि जो हमने मॉडलिंग की है वो एक रियलिस्टिक रियल साइज की मॉडलिंग है कि नहीं। सो दिस इज ऑल द रेंडर विच वी हैव डन सो फार। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, उन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक दिस सीरीज, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब शुभ डिजाइन। हेलो ऑल, वेलकम टू सुब डिजाइंस। तो इससे पहले जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसमें लाइटिंग सेटअप करके और इसमें चेयर का जो हमने रेंडर किया था, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको रेंडर को पूरा करते हैं और इस पूरे सीन को रियलिस्टिक रेंडर करके देखते हैं किस तरीके से हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो लास्ट रेंडर जो आया था वो मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। तो दिस इज अवर लास्ट रेंडर जिसमें हम लोगों ने लाइटिंग ऊपर की सेट की थी और आपकी कोव लाइट लगाई थी, जो आपकी वॉल्स लाइट है उसको लगाई थी, और ये आपका चेयर का रेंडर हम लोगों ने किया था। लाइटिंग मार की सही आ चुकी थी, बस हम लोग को अपना जो बाकी के सीन्स हैं उनको हम लोग को देना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं इसी फाइल का जो इंस्पिरेशन है जो हम लोगों ने ली है, इनकी एक आर्ट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो हम लोग पहले ओपन कर लेते हैं जिससे हम लोग इसको वैसे ही बना सके जैसा कि उन्होंने बना रखा। तो सबसे पहले जो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो नीचे मटेरियल है वो वुड मटेरियल है और सिंपल वुड मटेरियल है। आप चाहें तो ये वुड मटेरियल आप एक इमेज से बना सकते हैं या चाहें तो वीरे के मटेरियल से उनका भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा चाहिए। तो पहले तो मैं सभी फाइल्स से जो रेफरेंस इमेजेस है उनको खोल लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फ्लोर से। चलिए वीरे मटेरियल लाइब्रेरी से पहले देख लेते हैं, अगर कोई ऐसा मिलता जुलता मटेरियल मिला तो हमें जाने की जरूरत नहीं। वुड एंड लैमिनेट्स पे दिस इज ऑल द मटेरियल वी हैव। प्रोबेबली दिस मटेरियल जो बहुत ही बेस्ट आपका बैठ रहा है इस वाले पे, आप देख भी सकते हैं। इसके जस्ट बगल में एक और मटेरियल है जिसमें आपका थोड़ा सा ये जो ब्रिक्स है थोड़े ज्यादा देख रहे हैं। सो मैं इस मटेरियल को यूज करता हूँ अपने इसमें। अब इसको यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए सबसे पहले अपनी मटेरियल जो मटेरियल एडिटर है उसको ओपन कर लें। ओपन करते ही आपके पास ये सीन आ जाएगा जिसमें आपने पहले से मटेरियल डाल रखा है। तो एक न्यू मटेरियल लें, ध्यान रखिएगा एक मटेरियल के ऊपर कभी कभी उसी सेट पे आ जाता है तो वो जिस पे लगा है सब पे लग जाएगा। तो मेक श्योर कि आप इसको पहले क्लिक करके वीरी एमटीएल पे सेट कर दें ताकि आपको वो चीज दोबारा ना करनी पड़े या आपसे वो चीज गलती ना हो। It is set as VRM tier, इसको बंद कर दीजिए। इसी मटेरियल को हम लोग सेट करते हैं अपने उस पर, तो राइट क्लिक करिए एंड एड टू मटेरियल एडिटर पे क्लिक कर दीजिए तो ये उसी पोजिशन पे पहुंच जाएगा जिस पोजिशन पे ये आपका था। आप डबल क्लिक करके ये चीज चेक भी कर सकते हैं कैसा दिख रहा है। मैं जरा इस विंडो को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ जिससे आप इस चीज को थोड़ा अच्छे से देख सकें। दिस वन एंड दिस मैचेस परफेक्टली विथ अवर फ्लोर जो कि सीन में दे रखा है। चलिए इसको अप्लाई करते हैं हम लोग अपने फ्लोर पे। So, इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ एंड इसको भी बंद करता हूँ। हम लोग आते हैं अपने फ्लोर पे, फ्लोर को सिलेक्ट करिए। दिस इज अवर मैट, वी हैव टू अप्लाई इट ऑन द फ्लोर। कैमरा व्यू से बाहर आइए एंड दिस इज ऑल द फ्लोर विच वी नीडेड। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए कि ये फ्लोर, ये जो ये पूरा ऑब्जेक्ट है अब ये ग्रुप में है। सबसे पहले इस ग्रुप को अनग्रुप कर दीजिए। ओके, सो ये ग्रुप में नहीं, शायद हम लोगों ने एक जो उससे पहले फाइल थी इसमें ट्रांसफर किया था तो इसने पूरे को एक ग्रुप में कर दिया। कोई बात नहीं, हमें केवल फ्लोर से मतलब है तो हम लोग केवल ये फ्लोर उठाएंगे और इस फ्लोर को जरा आइसोलेट कर देते हैं जिससे हम लोग देख सकेंगे कितनी चीज हम लोग को नीडेड है। सो दिस इज द थिकनेस वी नीडेड। सो इसको सेलेक्ट करिए और इसको आप, सिंस ये आपका एडिटेबल पॉली में है, सो हम लोग दिस पॉलीगन सेलेक्ट करके इससे हम लोग सिंपली वुड लगा सकते हैं। तो मैं इसको सीधे सेलेक्ट करके डिटैच कर देता हूं। डिटैच से फायदा ये होगा कि हम इसको अलग से मटेरियल लगा के अलग से नेमिंग भी दे सकते हैं जिससे आपका वो जो लिस्ट है उसमें आपका सही से विजिबल होगा। तो दिस इज योर फ्लोर
एंड सेलेक्ट दिस फ्लोर। ये जो भी फ्लोर आपने सेलेक्ट किया, मेक श्योर कि दिस इज विदाउट थिकनेस। जो भी आप मटेरियल लगाओ उसमें हल्का सा थिकनेस जरूर दे दें। तो थिकनेस देने के लिए हम लोग मॉडिफायर का यूज करेंगे जिसका नाम है सेल मॉडिफायर। क्लिक करिए सेल मॉडिफायर पे और बहुत ही हल्की सी थिकनेस आप इसको नीचे की तरफ दे दीजिए एंड अप्लाई कर दीजिए अपना मटेरियल। एंड आप देख सकते हैं कि अभी इसमें कुछ भी नहीं दिख रहे हैं पैटर्न या कुछ भी। तो आप क्या करिए, इसको सेलेक्ट करिए एंड इस पे लगा दीजिए आप UVW मैप। जैसे UVW मैप लगाएंगे, बॉक्स लगा के आप रियल वर्ल्ड को ऑफ करेंगे, आप देख सकते हैं आपके मटेरियल जो था वो विजिबल हो चुका है। तो UVW मैप क्या करता है कि आपका जो टेक्सचर है बहुत ही साइज में बड़ा है तो उसको आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, स्ट्रेच कर देता है या प्लेस कर देता है, जिसकी वजह से आपका जो भी मटेरियल लगा है वो अच्छे से दिख रहा हो। आप चाहें तो इसको आप आइसोलेट भी कर सकते हैं क्योंकि ये तो आपका अलग हो ही चुका है। ब्रिक्स जो हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिक्स इस पे लगे हुए हैं। सो अगर आपको ब्रिक्स छोटे बड़े दिख रहे हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। वो करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आपको लेंथ विथ जो दिख रही होगी इसकी हेल्प से आप ब्रिक्स को कम कर सकते हैं। तो अब देखिए ब्रिक्स थोड़े से अब ज्यादा दिख रहे हैं, मैंने इसकी जो लेंथ है वो कम की। आप विथ को भी कम कर सकते हैं थोड़े से और आपके ब्रिक्स जो है वो आपके इधर आ जाएंगे। एंड हाइट से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हाइट आपका 3D में जाता है, हमें केवल अभी 2D में चीजें देखनी है। अब मैं जरा इसको एंड आइसोलेट करता हूँ और एक कैमरे व्यू पे जाके जरा इसका फिर से एक रेंडर चेक करता हूँ कि अभी जो हमने लगाया वो कैसा आ रहा है। इस कैमरे व्यू में होते हुए मुझे केवल फोकस करना है इस आपके दिस फ्लोर का, ठीक। चाहे तो आप इसी पे भी रेंडर कर सकते हैं। दूसरा तो और तरीका है, आप यहाँ पे आपको मिलेगा दिस वन इज योर ऑर्बिट। सो इसी कैमरे व्यू में रहते हुए आप इस चीज को ऑर्बिट कर सकते हैं जहां पे आपको रखना हो। आपको मिलेगा यहाँ पे टक कैमरा जिसके आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे ऐसे रख रहा हूँ जिससे मैं इसको देख सकूं कि आखिर ये दिख कैसा है। जरा रेंडर करते हैं, चेक करते हैं कि ये कैसा है। ओके, रेंडर में तो सही दिख रहा है, बस हमें एक चीज देखनी है कि इसको थोड़ा टॉप व्यू से देखिए ताकि ये चीज और अच्छी दिखे। अब ये चीज आपको बार बार रेंडर रोकना ना पड़े तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है, आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे एक आपका मिलता है स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग। स्टार्ट इंटरेक्टिव रेंडरिंग क्या करता है कि आपका रियल टाइम में आप कैमरे को मूव करेंगे और वो रियल टाइम में रेंडर को स्टार्ट कर देगा। तो इसी का यूज करके मैं रियल टाइम में कैमरे को मूव करके मुझे जहां कहीं देखना है मैं वहां पे देख सकता हूँ। तो ऑर्बिट में करता हूँ कुछ इस तरीके से ताकि मैं सीन को टॉप व्यू से देख सकूं। आप देख सकते हैं टॉप व्यू से अब इस चीज को रेंडर कर दिया बिना मुझे रेंडर को रीस्टार्ट किया। और यहाँ से जो फ्लोर है वो काफी अच्छा दिख रहा है, परफेक्ट आपका फ्लोर आ रहा है। तो जो भी मटेरियल आपको वीरे मटेरियल के अंदर मिले उसका आप यूज करिए, बिकॉज अलग से मटेरियल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अगर आपका मटेरियल बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा मैच कर रहा है तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये मटेरियल आपका काफी सही आ रहा है जो कि हमें यूज करना था और ये मटेरियल आपका मैच भी कर सकता है। आप देख सकते हैं रेंडर में सही दिख रहा है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ उसका दूसरा मटेरियल, तो स्टॉप करिए एंड नेक्स्ट मटेरियल आते हैं कैबिनेट का। ओके, सो कैबिनेट का भी जो मटेरियल है वो सेम है एज डेट ऑफ फ्लोर, लेकिन इसमें ब्रिक्स नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो इससे पहले एक मटेरियल हम लोग को मिला था यहाँ पे आपका वीरे मटेरियल में जिसमें आपके थोड़े कम ब्रिक दिख रहे थे, दिस वन हम इसका यूज करके लगा देते हैं। तो आपका सेम टू सेम मटेरियल, बस इसमें थोड़े ब्रिक थोड़े ज्यादा डेप्थ के थे, इसमें कम डेप्थ के थे, या हम लोग ऐसा करेंगे इसकी डेप्थ खुद ही मैनुअली कम कर देंगे। सो हम लोग इस मटेरियल को जरा अप्लाई करते हैं अपने मटेरियल एडिटर में। तो मटेरियल एडिटर को ओपन करें, सेलेक्ट करें कोई भी, आप चाहें तो इसी पे दोबारा भी लगा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आपको दोबारा नहीं लगा सकते, आप इसी पे बस लेके वीरे MTL दोबारा लगा दीजिएगा। मैं एक के ऊपर एक नहीं चढ़ा था क्योंकि कभी कभी क्या होता है उसी मटेरियल की स्लॉट में वो मटेरियल आईडी पे लग जाता है तो आपका काफी सारे मटेरियल चेंज हो जाते हैं और जब रेंडर करते हैं तब पता चलता है। तो वो चीज ना हो इसके लिए पहले से ही हम लोग सावधानी बरतते। आप ऐड टू मटेरियल या सीधे ऐड टू ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। मैं ऐड टू मटेरियल इसलिए करता हूँ ताकि मैं उसको बाद में चेंज कर सकूं। अब यहां पे इसको करना है तो मैं इसको आइसोलेट कर दे रहा हूँ कैमरा व्यू से, अभी के लिए बाहर आ जा रहा हूँ पी दबा के पर्सपेक्टिव। इस पे जो हम लोग को मटेरियल लगाना है अगर आप देखें वो केवल साइड में है एंड दिस इज आवर ग्रेट मटेरियल वुड है एंड हेयर विल बी ऑल वुड दैट सेम विच इज ऑन द फ्लोर। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो जो पूरा पूरा आपका आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देख लीजिए ये जो है आपका पूरा पूरा एक ग्रुप है। अगर ग्रुप ओके, ये ग्रुप है। सो मैं इस ग्रुप को ओपन करता हूं ताकि मैं इसके अंदर आ सकूं।
और अब देखते हैं कि इस पे अब हम लोग क्या क्या चीजों को अलग कर सकते हैं। तो अलग कर सकते हैं हम लोग एलिमेंट में जाते हैं। अब एलिमेंट में पूरा ले रहा है सो हम लोग पॉलीगन ही सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि यही एक तरीका बचता है इसको डिटैच करने का। ओके सो दिस इज द ऑल एरिया जहां पे हम लोग को अपना वुड का मटेरियल लगाना है। सेलेक्ट करिए और इसको डिटैच कर दीजिए। डिटैच करके आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कैबिनेट ब्राउन वुड, जिससे हम लोग को बाद में आसानी रहे इसको आइडेंटिफाई करने में। पॉलीगन से मैं बाहर आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ केवल ये एरिया जो कि हम लोग को वुड लगाना था। हम लोग सेलेक्ट करते हैं, क्लिक करते हैं असाइन ऑब्जेक्ट टू सिलेक्शन। अभी दिख नहीं रहा है बिकॉज हमें इसको ऑन करना पड़ेगा ताकि आप इसको देख सकें। आप इस पे हम लोग को ऐसे कुछ नहीं दिखेगा तो हमें फिर से लगाना पड़ेगा आपका यूवी डब्ल्यू मैप। यूवी मैप लगाते ही आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा बिकॉज यहाँ पे रियल वर्ल्ड स्केल मैप ऑन है। आप इसको बॉक्स पे सेट करिए, रियल वर्ल्ड को ऑफ करिए एंड वी कैन सी इजली दिस इज अवर मटेरियल। तो ये अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल आ रहा है तो इस चीज को सही करते हैं। जरा इसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ाते हैं एंड जो इसकी लेंथ है वो थोड़ी सी घटाते हैं। आप देख सकते हैं जो लेंथ है वो केवल इधर फर्क पड़ रही, इधर नहीं पड़ रही क्योंकि ये एक हाइट में आ गया है। इस वजह से जो लेंथ वाला हिस्सा है केवल इधर वर्क कर रहा है, इधर नहीं कर रहा। अब जो मैं कह रहा था कि इसको जरा रेंडर करके देखते हैं, अगर इसमें ब्रिक्स से ज्यादा दिख रही होंगी तो मैं इसका जो बम्प है वो कम कर दूंगा जिससे ब्रिक्स आपकी बिल्कुल नहीं दिखेंगी, केवल आपका मटेरियल ही दिखेगा वो टाइप का। तो अभी के लिए तो सही दिख रहा है। जरा मैं एंड आइसोलेट करता हूँ और अपने कैमरा व्यू में जाता हूँ। हम कैमरा व्यू में इसलिए जाते हैं क्योंकि अगर मैंने ऐसे रेंडर कर दिया तो उसमें एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा कि आपका रेंडर कैसा आ रहा है। इसलिए ऑलवेज यूज वीरे कैमरा जिससे आपका जो एक्सपोजर है वो बिल्कुल सही है। सो हम लोग जाते हैं और अपने सबसे पहले कैमरा सेट कर लेते हैं और जिस व्यू से आपको रेंडर लेना है वो आप सेट कर दीजिए। सिंस कैमरा व्यू में तो नीचे जो ऑप्शन है हम उन्हीं का यूज कर सकते हैं। आगे पीछे जाने के लिए हम लोग डॉली कैमरा का यूज करेंगे एंड ऑर्बिट से आप इधर उधर मूव करें। एक बार जरा देख लीजिए। ओके परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं और इसको पास से देखना चाहूंगा बिकॉज पास से हमें थोड़ा सा और आइडिया लगेगा। रेंडर करके देखिए का यहाँ पे सही इमेज आ रही है, देख सकते हैं आप। आगे बढ़ो। अगला मटेरियल जो इसमें हम लोगों ने देखा था वो था आपका दिस ग्रे वुड। सो ग्रे वुड के लिए आप चाहें तो आप वुड में उस पर वीरे पे नहीं जाऊं क्योंकि ऐसी मुझे एग्जैक्ट कलर नहीं मिलेगा। तो हम ये मटेरियल खुद बना लेते हैं वुड का। बहुत बनाना आसान है, बस हल्की सी साइन देनी और एग्जैक्ट यही कलर देना है। तो वो कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग अपना मटेरियल एडिटर को दोबारा खोलते हैं, कोई भी स्लॉट ले लेते हैं। हम लोग जाते हैं वीरे एमटीएल पे डबल क्लिक करते हैं। आप इस पे क्लिक करिए तो क्लिक करते ही यहाँ पे ड्रॉपर टूल बटन दिखेगा जिसको कहा जाता है सैंपल स्क्रीन कलर। अब इस पे आप जिस भी कलर पे क्लिक करेंगे उसका कलर ये पिक कर लेगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसने ये कलर को पिक कर लिया। अगर आपको ज्यादा डार्क दिख रहा है तो लाइटर एरिया पे क्लिक करिए फिर लाइट कलर ले लेगा। डिपेंड्स ऑन ये लाइट स्क्रीन का कलर उठाता है। डार्क एरिया में क्लिक करेंगे डार्क कलर उठाएगा, लाइट एरिया में क्लिक करेंगे लाइट उठाएगा। आप इसको ओके कर दिए, दिस इज आवर कलर। लेकिन ये जो कलर है बिल्कुल अभी प्लेन है, बहुत ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए ऑलवेज मटेरियल पे हल्की सी साइन जरूर दे। आप साइन कैसे देंगे? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट में ब्लैक मतलब ऑल डल, ऑल व्हाइट मतलब फुल साइनिंग। सो हमें ऑल व्हाइट नहीं करते हैं, हल्का हल्का सा हम लोग इसको ग्रेस टाइप का करते हैं और बहुत ही हल्का सा करते हैं ताकि हल्का सा वुड टाइप का दिखे भी और हम लोग का बहुत ज्यादा साइन भी ना करें। सो अब हमें केवल जो अप्लाई करना है वुड वो केवल इन पे करना है। सो सिंस आपने इसको डिटैच कर दिया है तो अब ये ग्रुप का हिस्सा रहा नहीं। सो अब ये ऑलमोस्ट अलग ही अलग है। सो अगर आप थोड़ा जूम करें तो यहाँ इसका ग्रुप दिखता है। इसको आप क्लिक करके दोबारा क्लोज कर दीजिए ताकि मैं इसको राइट क्लिक करके आइसोलेट कर सकूं और इस पे अब मटेरियल अप्लाई कर सकूं जो मुझे अप्लाई करने थे। ये ग्रुप में इसलिए बचा बिकॉज वो पहले ही डिटैच हो चुका है, इसलिए वो ग्रुप का हिस्सा नहीं रहा। अब यहां पे आप अगर देखें और ग्रुप को फिर से अनग्रुप करें तो आपको मटेरियल मिल जाएंगे। ये हैंडल्स पहले से अलग है इसलिए आपको अलग करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हीं सब में आपको मटेरियल हटाना है बस इसके लेग को छोड़ के। सो लेग में मैं जाता हूँ, एलिमेंट लेता हूँ। एलिमेंट इसलिए बिकॉज ये पहले से ही अलग है, इस वजह से एलिमेंट सिलेक्शन में हो चुका। अगर नहीं होता तो हम लोग पॉलीगन सिलेक्शन लेते हैं। इनको हम लोग डिटैच कर देते हैं और नाम दे देते हैं कैबिनेट लेग्स। ओके कर दीजिए और ये आपका अलग हो चुका है।
कैबिनेट लेग को सेलेक्ट करके इस पे हमें ब्लैक लगाना है, और जितने भी उन पे ब्लैक लगाना है तो वो मटेरियल मैं तुरंत बना लेता हूँ। हम लोग जाते हैं, आप चाहे तो ये ब्लैक है जो हम लोगों ने चेयर पे लगाया था, आप वो ब्लैक भी यूज कर सकते हैं। चलिए हम लोग यही वाला ब्लैक यूज कर लेते हैं। हम लोग सेलेक्ट करते हैं दिस, और सारे के सारे जो हैंडल्स हैं उनको और यही मटेरियल असाइन कर देते हैं, और ये आपका रेंडर में सही से दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है। सो हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, और इस पे क्लिक करके फिर से असाइन टू सिलेक्शन कर देते हैं। ये मटेरियल आपका पूरा पूरा लग चुका है। राइट क्लिक करके एंड आइसोलेट करते हैं, और अब जरा अपने कैमरा व्यू में आके इसको फ्रंट व्यू से थोड़ा सा देखते हैं, या इसी व्यू से देखते हैं जिस व्यू से इन्होंने यहाँ पे दिखता है। तो इस व्यू में आने के लिए मैं थोड़ा सा ऑर्बिट ऐसे कर रहा हूँ, और यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू को थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ, ताकि मैं उसी जगह रहते हुए पीछे तक देख सकूँ, और डॉली कैमरे से हम लोग हल्का सा पीछे आ जाते हैं, ताकि हम लोग सामने से इसको देख सके। ऑर्बिट हल्का सा ऊपर करते हैं, और इस तरीके से ये आपका आ चुका है। और इसकी जरा रेंडर चेक करते हैं कैसा है। फील्ड ऑफ व्यू करने से थोड़ा सा आपका जो कैमरा का एंगल है वो थोड़ा सा बदलेगा, वो एट एंड में हम लोग सेट करेंगे। अभी केवल हम लोग मटेरियल पे टेस्ट कर रहे हैं कि मटेरियल सबके सही से लगे। सो मैं हल्की सी साइन और बढ़ाना चाहूंगा, बाकी तो ऑलमोस्ट परफेक्ट है। बिकॉज हल्की सी साइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि साइन इस पे नहीं आ रही है। सो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, साइन ही मटेरियल ये हो जाए। इसको ओके करते हैं। नाउ वी कैन सी डेट यहाँ पे आपकी साइन पड़ रही है, जैसा कि हमें रेफरेंस इमेज में देखने को मिल रहा है। बिकॉज ऑफ ये थोड़ा ज्यादा रिफ्लेक्टिव हो चुका है एज कम्पेयर टू प्रीवियसली। अब आते हैं हम लोग टेबल पे, जो कि एक ग्रुप है। सो आप इसको आइसोलेट करिए, एंड कैमरा व्यू से बाहर आइए, पर्सपेक्टिव मोड में आके, एंड अगेन आप इस ग्रुप को ओपन करिए। सो वी कैन सी दैट स्टिल इन एडिटेबल पॉली। सो वी कैन सेलेक्ट अपर पोर्शन जिनको हमें, और ध्यान से देखिए, अपर पोर्शन नहीं, अपर पोर्शन केवल वुड है, नीचे आपका एक पोर्शन और आएगा जो कि मेटल का रहेगा, जो कि इसमें हम लोगों ने अभी बनाया नहीं है। तो बहुत ही कम समय में हम इसे बना भी सकते हैं। हम सेलेक्ट करते हैं इसको, और हल्का सा इसको दे देंगे एक्सट्रूड, और बस हल्का सा इसको इंक्रीज कर देंगे, जिससे ये जो पोर्शन है आपका मेटल का हो जाएगा, और बाकी जो ऊपर का बचा है वो वुड। वुड अगर आपको ज्यादा रखनी है, वुड लग रहा है ज्यादा हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, आप एज सेलेक्शन में आइए, और एज सेलेक्शन में आप डबल क्लिक कर दीजिए, पूरी ये सेलेक्ट हो जाएगी, और उसको ऊपर की तरफ खिसका दीजिए जितने पे बोर्ड या आपको वो रख। एंड सेम चीज आप इस पे भी करते हैं, सेलेक्ट करिए, सॉरी पॉलीगन, नॉट दिस वन, दिस वन। अब इस चीज को हम अलग अलग इसलिए ले रहे हैं बिकॉज अलग अलग मटेरियल लगा सके। अगर मैं एक ही ग्रुप में इनको सेलेक्ट कर दूंगा, एक ही डिटेबल पॉली में, तो दोनों पे एक साथ मटेरियल लग जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। इस वजह से मैं अलग अलग कर रहा हूँ। मैं नीचे का पॉलीगन सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रूड लगा देता हूँ, बहुत हल्का सा। एंड यहाँ पे भी अगर आपको ये चीज बहुत ज्यादा दिख रही है, या वुड को थोड़ा सा ऊपर करना है, तो आप हल्का सा ऊपर कर सकते हैं, एंड नाउ इट्स लुकिंग परफेक्ट। अब हम लोग क्या करना है, ऊपर का मटेरियल अलग करना है, ताकि हम इस पे केवल वुड लगा सकें, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, नीचे पे पूरा ब्लैक आपका मेटल लगा सको। सो हम लोग सेलेक्ट करते हैं पॉलीगन, आप एक पे क्लिक करिए, शिफ्ट को होल्ड कीजिए, एंड देन अगेन नेक्स्ट वाले पे क्लिक करिए, तो पूरी जो ऑल ओवर रिंग है वो सेलेक्ट हो जाएगी, एंड कंट्रोल के साथ ऊपर का मटेरियल जो कि आपको वुड का देना है, एंड इसको आप कर दीजिए डिटैच, बिकॉज इस पे हम लोग लगाएंगे वुड मटेरियल। एंड अगेन ये चीज इसके साथ भी करते हैं, पॉलीगन मोड में आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, शिफ्ट के साथ दिस, एंड देन कंट्रोल के साथ दिस। अगेन इसको हम लोग डिटैच कर देते हैं, एंड इसको हम लोग डाल देते हैं ब्रिक टेबल वुड, एंटर मारते हैं, तो ये भी आपका अलग हो चुका है। अब हमारे पास दो मटेरियल हैं, दिस वन एंड दिस वन। इस पे सबसे पहले वुड लगाते हैं, तो जरा इस कलर की मैं वुड देख रहा हूं, हमारे वीरे मटेरियल में अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम लोग तुरंत बना भी लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। सबसे पहले वीरे मटेरियल में इस पे खोजते हैं, ताकि आपका टाइम थोड़ा सा बचे। ओके, सो दिस वुड बहुत ज्यादा मैच कर रही है इस वुड से, सो वी कैन यूज दिस वुड। सो मैं आता हूं अपने सीन पे, मिनिमाइज करते हैं, सेलेक्ट करिए जिस पे आपको ये लगाना है, और आप चाहें तो राइट क्लिक करके ऐड मटेरियल टू अप्लाई टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको दोबारा उस पे ना लगानी पड़े। बस दिक्कत इसमें ये है, ये जो मटेरियल आपने लगाया है इसमें शो नहीं करेगा। अब जब शो नहीं करेगा तो हम उसको ऑन ऑफ नहीं कर सकते, उस पर वो नहीं देख सकते, इसीलिए मैं एक स्लॉट पे लगाता हूँ जिसमें हम उसकी कुछ सेटिंग को देख सकते हैं। अब सीधे मटेरियल अप्लाई हो चुका है, केवल उस पर आएगा। अब एक और तरीका है, अब आपने मटेरियल अप्लाई कर दिया, मान लीजिए इसको बंद कर दिया, अब आप भूल गए कि इसमें मटेरियल कौन सा लगा था, ना दिख रहा है ना ही आपके स्लॉट में आपने अटैच किया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए,
कोई भी एक ब्लैंक स्लॉट ले लीजिए, स्लॉट का साइज कम दिख रहा है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे 6x4 कर सकते हैं, जिससे स्लॉट्स आपके छोटे छोटे हो जाएंगे। एंड कोई भी एक स्लॉट ले लीजिए, उस पर वी एम टी एल आप पहले सेट कर दीजिए। वी एम टी एल सेट करने के बाद आपको यही मटेरियल को पिक करना है। सो आप क्या करेंगे, इस बटन पे आएंगे पिक मटेरियल फ्रॉम ऑब्जेक्ट, जिससे क्या होगा, इस पे क्लिक करते ही ये मटेरियल को ये पिक कर लेगा और आपको पता चल जाएगा कि ये मटेरियल कौन सा लगा था। अब आप इसको ऑन कर सकते हैं। पहले ऑन इसलिए नहीं था बिकॉज वो सारे डायरेक्टली हमने अप्लाई कर दिया था। तो कई ये छोटी छोटी ट्रिक हैं जिसपे आप अप्लाई करके देख सकते हैं। अभी अच्छे से नहीं दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे यूवीडब्ल्यू मैप नहीं लगा। सो हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अप्लाई करते हैं यूवीडब्ल्यू मैप। अब इस पे बॉक्स की जगह सर्कुलर भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप इसको रियल वर्ल्ड स्केल को ऑफ करें। रियल वर्ल्ड स्केल को ऑफ करते ही आपका ये मटेरियल अच्छे से लग गया। हालांकि मटेरियल सही आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अलग आ गया। इसलिए ऑलवेज यूज बॉक्स, जिससे आपका यहाँ पे भी सही से मटेरियल लगे। और वी कैन यूज सिलेंडर ऑल्सो इन दिस केस, लेकिन सिलेंडर में काफी डिस्टॉर्ट आ रहा है तो मैं बॉक्स का यूज करता हूँ। या आप फेस का भी यूज कर सकते हैं, जिससे फेस में पर्टिकुलरली एक एक फेस की तरफ लग जाए, जिससे ये काफी सही लगेगा। सो मैंने फेस यूज किया और काफी आपका सही लुक आ रहा है। सेम चीज हम लोग करते हैं इसके साथ, हम लोग बाहर आते हैं जरा, इससे इस मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं, असाइन टू दिस ऑल्सो। सेम हम लोग इस पे यूवीडब्ल्यू मैप लगाते हैं। एंड यूवीडब्ल्यू मैप लगाने के बाद बॉक्स पे लगा के रियल वर्ल्ड को जरूर ऑफ करें, तभी आपका सही से दिखेगा। एंड इसको भी हम लोग पेस पे रखते हैं, जिससे आपका ये चीज इस तरीके से आ जाए। अब दोनों मटेरियल ये आपके लग चुके हैं एंड आपको ये मटेरियल जो है असाइन करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने यही जो मटेरियल बनाया था वही ले सकते हैं। तो मटेरियल ये आपका, अगर आपको रिफ्लेक्ट में थोड़ा सा और ज्यादा करना है तो आप कर सकते हैं, बिकॉज थोड़ा सा शाइनी ज्यादा होना चाहिए मटेरियल एज अ मेटल के तौर पे। सो हम लोगों ने इस पे एंड इस पे दोनों पे मैं ये मटेरियल असाइन कर दे रहा हूँ। ये आपका मटेरियल लग चुका है। अब चाहे तो ग्रुप डिलीट कर दीजिए। ग्रुप में दोबारा इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज अब ये डिटैच हो चुका है तो वो ग्रुप का हिस्सा रहा नहीं, केवल नीचे के रहे। सबको दोबारा सेलेक्ट करके दोबारा ग्रुप बना दे रहा हूँ एंड जरा रेंडर करके एक बार देख लेते हैं। इट्स लुकिंग परफेक्ट। आप देख सकते हैं कि रेंडर काफी सही आया है, आपका वुड भी सही से आपकी दिख रही है और जैसा कि सीन में थी। एग्जैक्ट वो वुड तो आपको तो सर्च करने पे मिलेगी, लेकिन हम लोगों ने जैसी वुड उसमें देखी वैसे ही आपकी वुड सही से आ रही। सो परफेक्ट है। नेक्स्ट रेंडर पे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट मटेरियल पे। सो नेक्स्ट मटेरियल वी विल चूज आपका वॉल का मटेरियल। वॉल के मटेरियल के बाद आपके सोफे का मटेरियल। चलिए अगला मटेरियल देखते हैं। सो अगला मटेरियल जो है हम लोग का, दिस इज वॉल एंड ओवरऑल वॉल्स एंड वॉल सीलिंग, उसका मटेरियल है। एंड यहाँ पे मैं वीरे एमटीएल सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीरे एमटीएल सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इस कलर पिकर पे जाते हैं और स्क्रीन सैंपल स्क्रीन कलर पे जाते हैं और इस पे क्लिक करते हैं, जो भी मटेरियल आपको चूज कर दो। एज यू कैन सी ये मटेरियल हम लोगों ने चूज कर लिया, जो एग्जैक्टली वही है जो कि आपका पीछे लगा हुआ है। थोड़ा सा अगर आपको कम ज्यादा लग रहा है तो आप बाद में इस चीज को सही कर सकते हैं, जैसा भी आपका। सो वॉल मटेरियल में हल्का सा रिफ्लेक्शन सब में हल्का सा दे देना चाहिए, बिकॉज उससे थोड़ा सा आपका देखने में थोड़ा साइन आता है और आपका एक थोड़ा सा अच्छा देखा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। और एक चीज बस इसमें मैं और करूंगा, वो ये कि ये वॉल है तो इसमें हल्का सा बम टेक्सचर भी दिखना चाहिए वॉल का। अब बम टेक्सचर कहाँ से लगा है? बम टेक्सचर तो ये सिंस हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है तो इसमें है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक इमेज डाउनलोड करेंगे वॉल टेक्सचर की और उससे हम लोग उससे इमेज को यूज कर देंगे एज अ बम। वॉल बम टेक्सचर आपके पास इस तरीके से आ जाएंगे। हम इन्हीं का यूज करते हैं, इमेजेस में जाते हैं और इमेज में जाने के बाद आप टूल्स पे जाके जो साइज है उसको लार्ज लगा दीजिएगा, ताकि आपके पास सबके सब लार्ज पिक्सल में आए। ओके, सो मैं व्यू इमेज इन न्यू कर रहा हूँ और ये जो है इसको आप देख सकते हैं काफी एचडी पिक्सल है। इसको हम लोग सेव कर देते हैं, इसको हम लोग बम पे मैप पे लगाते हैं। आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं या सबसे नीचे आके आपको मैप्स मिलेगा, मैप्स के अंदर बम्प मिलेगा, बम के अंदर आप बिट मैप में सिंपली या वीरे बिट मैप में भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। तो मैं बिट मैप में जाके जहां पे मैंने वो मटेरियल को सेट किया है वहां पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। बस याद रखिएगा यहाँ पे सो रियल वर्ल्ड को ऑफ कर दीजिए, जिससे आपका ये बहुत ज्यादा आ चुका है। इतना ज्यादा हमें नहीं चाहिए हालांकि, तो हम लोग बैक जाते हैं और इसको 10 कर देते हैं। बहुत ही हल्का सा चाहिए, बिकॉज
जिससे आपका हल्का सा वॉल दिखे भी, 10 भी ज्यादा है, मैं 5 कर देता हूँ उस पर, से बहुत ही कम हल्के से इफेक्ट में दिखे, और साइन भी सही है। चलिए इसको अब अप्लाई करते हैं हम लोग अपनी वॉल्स पे। पीछे का वॉल का कलर अब ऑलमोस्ट आपका सही आ चुका है, जैसा कि इसमें थोड़ा सा दिख रहा है। आफ्टर ओवरऑल रेंडर इट विल बी लुक लाइक दिस। ओके, ओवरऑल ये परफेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मटेरियल पे। हम लोग सबसे पहले फैब्रिक का जरा मटेरियल अप्लाई करते हैं। सो फैब्रिक में आप देख सकते हैं, दिस इज द ब्राउन फैब्रिक या ब्राउन वेलवेट टाइप का मटेरियल आपका लगा हुआ है। वीरियर मटेरियल में चेक करते हैं, अगर आपका इस तरीके का मटेरियल अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हम लोग को बनाना पड़ेगा, जिसमें भी बहुत ज्यादा कोई टाइम नहीं लगने वाला। सो आगे बढ़ते हैं। मेक श्योर ये जो छोटे छोटे आपके प्रॉप्स हैं, जैसे कि आपकी कुशंस एंड दिस पिलो, तो आप चाहें तो इनको बना सकते हैं, कम टाइम लगेगा, लेकिन आप चाहें तो उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको करना है। सबसे पहले जरा हम लोग जो सोफा है उसका हम लोग मटेरियल देखते हैं कि आपका कितना मैच करता है हम लोग के पास जो अवेलेबल मटेरियल है उनसे, उसके लिए हम लोग आते हैं। सो दिस मटेरियल वी कैन यूज इट। हम लोग को इस पे मटेरियल अप्लाई करना था तो हमें थोड़ा सा ब्राउनिश कलर जो चाहिए उस पे आते हैं। तो सबसे पहले जरा ये मटेरियल को लेता हूँ, हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं, एंड सबसे पहले तो ये जो कलर है वो कलर को मैं पिक करके ब्राउन कलर ले ले रहा हूँ, दिस वन अप्लाइड एंड यू कैन सी। एंड सेम आप इस इन तीनों पे भी अप्लाई करिए। मेक श्योर आप यूवीडब्ल्यू मैप जरूर लगाएं, विदाउट यूवीडब्ल्यू मैप के ये इफेक्ट आपके अच्छे से देगा नहीं। सो यूवीडब्ल्यू मैप एंड वी विल यूज अ बॉक्स मैप एंड रियल वर्ल्ड ऑफ अगेन हेयर ऑल्सो यूवीडब्ल्यू मैप। और ये इसका रेंडर है, आप देख सकते हैं काफी अच्छा रेंडर आ रहा है। जो फैब्रिक की डिटेल्स है उनकी, जो मतलब परफेक्ट आ रही है और रेंडर भी काफी सही आ रहा है। ये छोटी छोटी डिटेल ही आपको सही से आएगी। चलिए अगले रेंडर की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो रेंडर आता है आप एंड बाहर की रेलिंग पे जाता हूँ मैं, इसको भी आप सेलेक्ट करिए, अपने मटेरियल एडिटर पे जाइए और इस पे भी आप असाइन कर दीजिए। एंड जो फ्लोर है उसका वो आपका सिंपली एक सीमेंटेड टाइप का है, ये मटेरियल इस पे अप्लाई कर दे रहा हूँ। और एक बार जरा फिर से रेंडर करके जरा चेक करते हैं कि अब सीन आपका कैसा है। आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट मटेरियल पे। तो अगला जो मटेरियल आपका बसता है वो बसता है आपका दिस कर्टेन। कर्टेन के लिए हम लोग फिर से अपने मटेरियल एडिटर में आते हैं और देख सकते हैं कोई फैब्रिक जो कि ब्राउन में आपका हो। सो मे बी दिस वुड वर्क। राइट क्लिक करिए, ऐड टू मटेरियल एडिटर ऐड कर दीजिए एंड इसको आप असाइन कर दीजिए सिंपली आपके इस ऑब्जेक्ट पे एंड इसको अनेबल कर दीजिए। एंड देन अगेन रेंडर करके जरा चेक करते हैं कैसा आ रहा है। ओके, तो हल्का सा साइन जो कर रहा है वो आपके कर्टेन जैसा जो लुक है वो साइनी टाइप का वो आपका इस पे हमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले मटेरियल पे। सो अगला मटेरियल जो आपका बचते हैं वो है आपका दिस पेंटिंग। अब सिंस पेंटिंग हम लोगों ने बना रखी है सो आप इस पे मटेरियल चाहे तो लगा लें और चाहे तो कॉस्मोस से आप कोई पेंटिंग उठा के इस पे रख भी सकते, वो आपकी मर्जी है। एक बार मैं कॉस्मोस के ब्राउजर पे जाके पेंटिंग को देखता हूँ, अगर कोई मुझे बनी बनाई पेंटिंग मिल जाती है तो हमें कोई टाइम करने की कोई जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत पहले से ही आपके सोफाज वगैरह पड़े हुए हैं, तो अगर आपको कुछ मटेरियल्स या वैसे नहीं मिल रहे हैं, फैब्रिक भी कई सारे इसमें ऑप्शन देता हूँ, तो वीरे के तो है ही, साथ साथ कॉस्मोस के भी अलग से आपको मटेरियल मिल रहे हैं यहाँ पे, इसकी हेल्प से आप अलग अलग टेक्सचर जो भी चाहें वो आप बना सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं कॉस्मोस ब्राउजर पे, यहाँ पे आपका 3D मॉडल में फर्नीचर्स के अंदर आपकी सोफाज एंड आर्म चेयर के अंदर कोई भी उस तरीके का जो सोफा साइड पे पड़ा हुआ है उसको हम लोग ले सकते हैं, हालांकि आप बना भी सकते हैं, ऐसा कोई उसमें डिफिकल्टी की बात है नहीं। तो इस तरीके का सोफा जो साइड पे रखा हुआ है वही हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, हालांकि इनकी मॉडलिंग बहुत ज्यादा कठिन होती नहीं है, लेकिन हम लोग का मॉडलिंग पोर्शन हम पहले ही देख चुके हैं, इसमें हम बाकी की चीजें अब दोबारा मॉडल नहीं करेंगे, सिंपली सीधे इस पे ले आए। अब सिंस हम लोग का रियल स्केल था इसलिए हमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, सिंपली ये आपका इंपोर्ट हो चुका है और जरा रेंडर करते हैं। सिंस आप देख सकते हैं कि बस इसका जो कलर है वो डिफरेंस है, तो चीज मैं थोड़ा सा देता हूँ। सिंस ये आपका वीरे प्रॉक्सी है
सो पहले तो मैं राइट क्लिक करके इसको आइसोलेट करता हूँ और कैमरा व्यू से जरा बाहर आता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट कर दूँ, ओके हम कर सकते हैं। अगर आप इसको एडिटेबल पॉली में कर, जो मटेरियल हमने इस पे लगाया था वही मटेरियल आपका इस पे भी असाइन कर देता हूँ मैं। जो भी छोटे छोटे प्रॉप्स जो इसमें बचे हैं, अब हमने इन वीरे प्रॉक्सी और ये वीरे कॉस्मोस ब्राउजर से ही आप इंपोर्ट कराएंगे, इन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि ये बनाने को हम बना भी सकते हैं, लेकिन जो मॉडलिंग कोड सकता है वो हम पहले ही देख चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, केवल मटीरियल पे फोकस कर रहा। और अब आपका बसता है प्लांट, सो वीरे प्रॉक्सी पे हम लोग फिर से जाते हैं और जरा वेजिटेशन में हम लोग इंडोर प्लांट्स पे आते हैं। इंडोर प्लांट्स में जो साइड में प्लांट एक लगा हुआ है, ऑलमोस्ट आपका यही प्लांट ही है, सो इसी प्लांट को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड डाउनलोड कर ले। ये आपका प्लांट आ चुका है, साइज वगैरह आपका सही आया है, बिकॉज हम लोग रियल स्केल पे कर रहे हैं, सो इसे साइज का ज्यादा हमें इसमें मैटर देखने को मिल नहीं रहा है। ऑलमोस्ट जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं वो रियल साइज के आ रहे हैं, बिकॉज वो रियल स्केल पे ही बने हुए हैं। थोड़ा सा इस प्लांट को मैं रोटेट करना चाहूँगा सामने की तरफ तक, जो इसकी लीव्स हैं यहाँ पे अच्छे दिखते हैं। एंड आते हैं जरा दूसरे पिलोज वगैरह पे जो हमें यहाँ पे चाहिए थी। जितने भी छोटे छोटे प्रॉप्स हैं उनको मैं फास्ट फॉरवर्ड में जल्दी जल्दी प्लेस कर दे रहा हूँ, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं, सीधे उनको डाउनलोड करके इम्पोर्ट करना है और ये काफ़ी आसान प्रोसेस होता है। तो हम लोगों ने कुछ प्रॉप्स से प्लेस किए हैं। ये जो कॉस्मोस ब्राउजर से हम लोगों ने टेबल रखी थी उसमें थोड़ा सा और रिलीज डालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लॉथ को हम लोग गिराते हैं जिससे थोड़ा सा और रियलिस्टिक नेचुरल लुक दें। तो उसके लिए क्लॉथ मॉडिफायर का यूज़ करके सिंपली हम लोग इसको गिरा देंगे, जैसा कि आप इस सीन में देख सकते हैं। ये जी हम पहले ही देख चुके हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। एंड फाइनली वीरे मटेरियल पे जाके हम लोग इस पे एक सिंपल सा कोई भी टेक्सचर लगा देते हैं जो कि इस पे सूट करे। हम लोग आते हैं अपनी पेंटिंग पे, पेंटिंग को सिलेक्ट करके आइसोलेट करिए। अब इसमें हम लोग के दो मटेरियल रहेंगे, सबसे पहले जो इसका ग्लास है वो हमें अलग मटेरियल देना पड़ेगा ताकि साइन करें, और उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है उस पर हम लोग अलग मटेरियल देते हैं। सबसे पहले इस पर हम लोग वीरे एमटीएल लेते हैं और एक ब्लैक कलर बनाते हैं ताकि ओवरऑल पेंटिंग पे इसको लगा सकें, थोड़ा सा ग्रेज टाइप का करते हैं। एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपका पूरा एलिमेंट है, अभी के लिए मैं इसको असाइन कर दे रहा हूँ। एंड देन सेलेक्ट करिए, पॉलीगन पे आइए और इसके जो टॉप का फेस है उसको सेलेक्ट करिए, ये हम लोग का ग्लास रहेगा। तो हम लोग आते हैं नीचे और इसको कर देते हैं डिटैच। सेलेक्ट करिए पर्सन, इसको थोड़ा सा आगे ले आइए जिससे हम लोग इसको अलग से ग्लास वगैरह असाइन कर सकें। फिर मटेरियल पे जाइए, ग्लास पे जाइए, कोई भी एक नॉर्मल सा ग्लास ले लीजिए। और उसको इस पे असाइन कर दिया। अब होगा क्या कि जो भी हम पीछे लोगों ने जो ऑब्जेक्ट ग्लास लगेगा क्रिएट वो किया था साइन उसको करेगा थोड़ा सा मैं बिकॉज ऑफ बाहर ले आ रहा ग्लास, हूँ ताकि आपका जो आगे पीछे रिफ्लेक्शन बैकग्राउंड थोड़ा में सा जो हम जो लोगों है ने वो इमेज सेलेक्ट देगा। किए पेंटिंग की उसको हम लोग यूज कर सकें। सो मैं एक पेंटिंग जो हम लोगों ने पहले से एक सेलेक्ट करके रखी है उसको मैं इस पे असाइन कर रहा हूँ। मेक श्योर आप रियल वर्ल्ड स्केल को ऑफ कर दें एंड इस पे असाइन कर दें। अब यहाँ पे UVW मैप लगा के इसको मैं अपने अकॉर्डिंग जैसा मुझे रखना है वैसा रख देता हूँ। नॉट इट्स परफेक्ट, वापस ग्लास को सेलेक्ट करिए और प्लेस कर दीजिए ऑलमोस्ट इसी के ऊपर ताकि ये ग्लास जैसा दिखे। इस पे सेल मॉडिफायर लगा देते हैं ताकि हल्की सी थिकनेस आ जाए, ताकि वो जो रिफ्लेक्शन है वो और अच्छे से आपका दिखे। थोड़ा सा मैं पेंटिंग को बड़ा कर रहा हूँ सीन के अकॉर्डिंग।
कॉस्मोस ब्राउजर में जाते हैं और मैं फास्ट फॉरवर्ड में जो भी बचे हुए प्रॉप्स हैं उनको भी मैं लगा दे रहा हूँ ताकि ये सीन पूरा फाइनल कंप्लीट हो। सो ऑलमोस्ट ऑल प्रॉप्स लग चुके हैं। चलिए फाइनल रेंडर करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग का ये आ रहा है। बाकी ऑलमोस्ट सही है। जो हम लोगों ने ऊपर सैंडलर लगाया है उसमें एक को लाइट नहीं है, सो हम लोग अब इस पे लाइट प्लेस करेंगे ताकि एक अच्छा लुक दे। तो प्रोसेस क्या है कि ये जो आपके हैं, पहले मैं इसको आइसोलेट करता हूँ। आपके ये जो स्फेयर्स टाइप के बने हैं इनको सबसे पहले जो पूरे ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट टू डिटेबल पॉली कर दीजिए ताकि आप इसको अलग अलग सेलेक्ट कर सकें। एलिमेंट में आइए एंड मेजरली स्फेयर को मैं पूरी को सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि इसके अंदर की लाइटिंग को मैं सेलेक्ट करके उसको लाइट मटेरियल दे सकूँ जो आप देख सकते हैं अंदर इस पे लगा है। आइए और इसको डिटैच कर दीजिए। फायदा ये रहेगा कि अब हम लोग इसके अंदर का जो ऑब्जेक्ट है उसको आइसोलेट करके दिस और पूरे ऑब्जेक्ट को लाइटिंग दे सकते हैं। अगेन दिस एज वी कैन सी दिस इज द लाइटिंग जिसको हमें लाइट मटेरियल देना है। इसको भी हम डिटैच कर देते हैं। सेलेक्ट करिए सभी को और लाइट मटेरियल इस पे अप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग वी रे मटेरियल एडिटर को ऑन करते हैं। कोई भी एक ब्लैंक स्लॉट लीजिए, मटेरियल पे आइए और यहाँ पे आपको मिलेगा वी रे लाइट मटेरियल। अब वी रे लाइट मटेरियल हम सीधे इसी पे असाइन कर देते हैं। जो भी कलर आपको देना है वो आप दे दीजिए। थोड़ा सा हम लोग इसको येलो इस कलर देते हैं, थोड़ा वार्म कलर ताकि सैंड लेयर में लुक थोड़ा सा आपका अच्छा है। एंड आप इसकी इंटेंसिटी बढ़ा दीजिएगा, देख लीजिए। बाकी कोई और सेटिंग नहीं, सब चीज़ों को एंड आइसोलेट करके जरा सीन पे आके एक इनिशियल रेंडर करके देखते हैं कि अभी हम लोग का कैसा लुक आ रहा है। सो अभी हम आ रहा है जिसमें हम लोग का सीन जो है परफेक्ट दिख रहा है। आप देख सकते हैं सैंडलियर की लाइटें भी इसमें परफेक्ट आ रही हैं एंड ऑलमोस्ट सभी कुछ परफेक्ट है। प्रॉप्स वगैरह, लाइटिंग एंड मटेरियल ऑल ओवर लग ही चुके हैं आपके। सो ये रहे हमारे इंटीरियर्स के फाइनल रेंडर्स जो कि आप देख सकते हैं वीरियो 5 पे हम लोगों ने रेंडर किए हैं। फाइनल रेंडर्स हर एक एंगल से, हर एक मटेरियल से फुल रियलिस्टिक लुक आ रहा है। आप देख सकते हैं हम लोगों ने ह्यूमन पोज भी इस पे ऐड किए हैं ताकि हमें आइडिया लग सके कि जो हमने मॉडलिंग की है वो एक रियलिस्टिक रियल साइज की मॉडलिंग है कि नहीं। सो दिस इज ऑल द रेंडर विच वी हैव डन सो फार। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। उन सभी वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। होप यू लाइक दिस सीरीज। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब। शुभ डिजाइन।